कोई बात नहीं, थोड़ा अगर एक दिन मर जाएंगे कुछ नहीं होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सह सकते हैं। मिलिट्री भर्ती होती वहां खड़े होते तो। गए हम महगांव, गए हम अटेर, गए और भिंड गए, यहां पर जनता की समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार बीते 5 साल से उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो हमें मूलभूत चीजें जानने को मिली, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सीवर लाइन की समस्या और इसके साथ साथ जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी की समस्या को लेकर यहां जनता ने हमें रूबरू कराया है। तो भिंड की जनता के सामने हम खड़े हैं, ये सीधे आप देख रहे हैं, भिंड के बद्री प्रसाद की बगिया में है जो कि भिंड शहर के बीचों बीच में है। तो सबसे पहले जो ये आम जनता यहां पर आई है, मैं इन सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे करें। तो मैं आग्रह कर रहा हूं सभी से, जो भी लोग यहां पर है वो खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे करें और शपथ लें, मेरे साथ दोहराएं कि मैं शपथ लेता हूं भारत के लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा और साथ ही साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करूंगा। तो आग्रह है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए जहां पर आप हैं और अब जनकारवां का ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं पीछे की पंक्ति से, जो भी आपकी समस्या है या जो आपने देखा है अपने प्रदेश में इन 5 सालों में या बीते कई सालों में, वो आप हमारे सामने रखिए। शुरुआत मैं आपसे करूंगा भाई साहब। हाँ जी सर, आप आपकी क्या समस्या है भिंड की? भिंड की कोई समस्या नहीं सर, सब सही है। चलिए फिलहाल ये बता रहे हैं कोई समस्या नहीं है, चलिए ये भी नहीं बोल रहे, युवा है बोल नहीं रहे, आगे कोई आप भाई साहब। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए, कि आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी की जगह ना अमीर आदमी पार्टी रख दिया जाए, क्योंकि जो इनके बॉस है वो कितने 45 सीआर। ये रिएक्शन आया है जनता का, भाई साहब आपका क्या मानना है? चलिए आगे आते हैं, क्या बोल बोला आप अपने भिंड के बारे में बताइए, अपने आप जो क्षेत्र में आपके हुआ नहीं हुआ? भिंड में बहुत विकास हुआ है, किसी मुद्दे कोई समस्या ही नहीं भिंड में। चलिए बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। सर एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, जब से मैं किसी पर्टिकुलर नेता पे नहीं बोल रहा हूँ, भिंड में कभी भिंड का विकास नहीं हुआ। भिंड का विकास 10% हुआ है, वो नेताओं का विकास 100% हुआ है, ये बात सत्य है। चलिए भिंड का विकास 10% हुआ है और नेताओं का 100% हुआ है। नहीं, भिंड में बहुत विकास हुआ है और भिंडी ही नहीं बल्कि क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है। और जैसे परसोना, चत्तर, बिलाव का पूरा बहुत अन्य रोड, बहुत बड़ी बड़ी रोडें भी बनाई गई हैं, भिंड में भी बहुत विकास हुआ है। चलिए कुछ लोग मानते हैं कि भिंड में विकास हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि भिंड में विकास नहीं हुआ है। कुछ और भाई साहब हमारे साथ हैं, भाई साहब आपका क्या मानना है? मैं अटेर विधानसभा हूँ, यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, दलितों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीब बिल्कुल नष्ट हुआ, बेरोजगारी की बहुत समस्या है अटेर विधानसभा में, यही मैं चाहता हूँ। यानी कानून व्यवस्था एक समस्या है यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। मैं भिंड से हूँ, यहाँ बेरोजगार युवा हमारे साथ ही बहुत परेशान है, जो रोजगार की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से। यानी लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार की एक समस्या सामने आ रही है, भाई साहब आपका क्या मानना है? भिंड में सबसे ज्यादा समस्या लाइट बिजली पानी की है, कई बार आवेदन वगैरह दे चुके हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लाइट बिजली पानी, अब चूंकि जनता का रिएक्शन आ गया दो पंक्ति से, अब नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि दोनों यानी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ता बैठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो समस्या आ रही है यहां पर, लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अटेर से है वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सबसे प्रमुख समस्या है। नहीं, ये कहना कतई ठीक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आम आदमी के घर तक 100 डायल पहुँचती है, अगर वो फोन लगाता है तो 100 डायल उसके घर तक पहुँचती है और उसकी समस्या सुनने का काम करती है, समस्या सुनने का काम करती है। जैसे अभी हमारे मित्र अर्पित भाई कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है भिंड में, पर डे तो 2-4 मोटरसाइकिल चुरती है, ठीक है, आम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों का आतंक है, पुलिस निरंकुश है। चलिए कांग्रेस मान रही है कि अपराधियों का आतंक है, एक मिनट भाई साहब। देखिए भिंड में सबसे ज्यादा यदि हम देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, यहाँ जुल्म जातियों की एक इंतहा हो गई है,
जब भी मैं प्रतिदिन, ऐसी कोई दिन नहीं है जब एक ना TI या SP से बात ना करूं। सबसे ज्यादा जुल्म जाती है और हो रही है तो गरीबों पर हो रही है, और सबसे ज्यादा उनका शोषण गरीबों पर जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है। भिंड में सबसे एक बड़ा मुद्दा है जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, ग्वालियर भिंड हाईवे का मुद्दा, जिसपे हजारों नौजवान हमारे भिंड के अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, और ऐसे ऐसे लड़के मर गए कि जो अपने माँ बाप के इकलौती संतान थे। हाल ही में दीपक भदौरिया, गोल्ड मेडलिस्ट MBBS डॉक्टर, इसी रोड पे खत्म हुआ। मेरा सवाल सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों से है। मैं BJP से पूछना चाहता हूं, आपने घोषणाएं करी 1.5 साल पहले, गडकरी जी आए, आपने कहा 4 लेन बनेगा, 4 लेन नहीं बना। चलिए, 4 लेन की एक मांग है, 4 लेन की एक मांग है, एक जनता का कहना है कि गोल्ड मेडलिस्ट हमने खो दिया। 4 लेन की जो घोषणा है वो जल्द ही पूर्ण होगी, उसमें कुछ टेक्निकल टाइम बता सकते हैं भाई साहब? लगभग 1 साल में शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण, विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बाद। जी जी जी, चलिए ठीक है, 4 लेन की समस्या को दूर करने का एक साल का वक्त मांगा है इन्होंने। घोषणा भीड़ पार्टी है, हर बात की ये घोषणा करना जानते हैं। अटेर विधानसभा में आप मालूम कर लेना, सबसे अधिक झूठे मुकदमे कायम हुए, बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक भिंड जिले में, हॉस्पिटल केवल घोषणा की है। चलिए, बेरोजगारी की समस्या क्या प्रमुख समस्या है? कुछ जनता से जानते हैं, कुछ युवा से जानते हैं, कुछ युवा भाई हमारे यहाँ बैठे हैं। क्या बेरोजगार कह रहे हैं कि बेरोजगारी की प्रमुख समस्या है, लेकिन दूसरे पक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल, बेरोजगारी की बिल्कुल समस्या है, गंभीर समस्या है। कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार हो रखी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता दी, अब ऐसे में कांग्रेस बेरोजगार ही है? हाँ। तो भैया, बेरोजगारी की कांग्रेस की बिल्कुल समस्या, राहुल गांधी जी खुद बेरोजगार। चलिए ठीक है, ये बात आ गई सामने, चलिए जनता का भी, चलिए कोई बात नहीं। कुछ युवा कतरा भी रहे हैं, तो भिंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कतरा रहे हैं बात करने में, कोई बात नहीं, लेकिन और आगे चलते हैं, कुछ युवा और हैं। भिंड में सबसे बड़ी समस्या है बढ़ते हुए युवा नेता, जे काम होने नहीं देते हैं, कह इन्हें अपने नेता बनने। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी आज बैठे हैं, जहां BJP को कोई आएगो वो घुस जाएगा, टिकट भाई को तय है जी, आप लिख लियो। तो आपकी मांग क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, माई मांग ये है कि हमने पुस्तक भंडार जहाँ पर घोटाला चल रहा है, शुद्ध किताब प्रिंट के साथ छिड़कानी करी जा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी ने साथ दो, ना कांग्रेस ने दो, ना आपने दो, इन सबके पास कमीशन जा रहा है, ये सब भ्रष्ट है, सब चोर। ये चलिए, ऐसा तो आपका मानना है, लेकिन दोनों से सवाल है, BJP और कांग्रेस से, एक जनता उठा रही है। भैया, जनता जो उठा रही भिंड का, जैसे मैं 2-3 मुद्दे मूल रूप से हैं। नंबर एक तो जो 90 ग्वालियर से इटावा वाला मार्ग, ये रोज एक्सीडेंट होते हैं, 10-5 मौतें डेली होती हैं। दूसरा, हॉस्पिटल चले आप, प्रदेश में नंबर 1 है, डॉक्टर है ही नहीं। ठीक, डॉक्टर्स की कमी है, ये मैंने पहले उठाया, डॉक्टर्स की कमी निकल कर सामने आ रही है, कह रहे हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे केवल विरोध लगाते आई है, कि केवल क्वेश्चन मार्क बनाना जानते हैं। इनके जब सरकार थी तब ये यहाँ पे कितने हॉस्पिटल बनाए गए थे, आज भिंड की जो सिटी हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट खुद का है, हमारे सिटी स्कैन की मशीन खुद की है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन खुद की है, और हमारे चलिए अल्ट्रासाउंड की मशीन खुद की है, सिटी स्कैन की मशीन खुद की है, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या है, डॉक्टर भी तो होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है, कांग्रेस के कार्यकाल में सीवर लाइन 2 चुनाव खा गई कि हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास हुआ? सीवर लाइन 19 में पूरा होना था, 20 में पाइपलाइन, एक सवाल लेंगे, एक और जाए सवाल, ठीक है, 19 में सीवर लाइन को पूरा होना था और ये 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। चलिए, पहली बार है कि एक नेता कह रहा है दूसरे नेता के पास जाइए, ये भाई साहब है, मैं सबके पास आऊंगा मैम, प्लीज। हाँ, 19 में वो काम हो जाना चाहिए था सीवर लाइन का, 23 तक नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं भिंड की जनता की ओर से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो पूरे देश में आप भिंड की जनता की आवाज को पहुंचाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के साथियों से, उनने 70 साल यहाँ पर शासन किया, केवल अपना विकास किया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान, अगर कोई मुद्दा हो तो भी रख दीजिए, मैं मुद्दा भी रख दूंगा, आपसे निवेदन है मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, जनता का मन से जल्दी खत्म, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी भ्रष्टाचारी,
इतनी भ्रष्टाचारी और हमारे आम आदमी के लोग बैठे चले, हमारे आम आदमी के लोग बैठे हैं यहाँ पर भिंड में, वो ईमान से कहते अपने दिल पे हाथ रख के, क्या भिंड में 18 साल में विकास नहीं हुआ है? चलिए आम आदमी के लोगों से सवाल है, भाई साहब आपसे ले चुका हूँ, भाई साहब मेरी बाध्यता है, भाई बाध्यता है भाई, हाँ चलिए चलिए, हाँ चलिए बाध्यता है। स्कूल कांग्रेस लेके आई, स्कूल कांग्रेस लेके आई, पुल कांग्रेस लेके आई, आज तक अभी इन्हें पूरा कर पाया, 6-6 साल इन्हें खा चुके, बेरोजगार की स्थिति बढ़ती है। अब लेटेस्ट में देखिए, कांग्रेस ने किसान माफी योजना चलाई, ठीक है, और सेक्रेटरी ने क्या किया, एक मिनट, क्या जिसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी उसको मारो, ठीक है। आम आदमी पार्टी से सवाल ये है कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि बता दे कि विकास नहीं हुआ हो। विकास किसका हुआ यहाँ पे? विकास बीजेपी कांग्रेस के नेता का हुआ है। जनता कहाँ विकास हुआ है? आप किसी भी गली में जाके देख लीजिए, गुंडे गुंडे पानी भरा हुआ है। यहाँ सबसे पहले तो कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है ना, जो प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको पहले तो ये पता नहीं है इंजीनियर कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। जब सड़क बन जाती है उसके बाद उनको ये याद आता है कि अभी पानी पाइप डालना भूल गए हैं, बिजली का ये 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 जब ये काम अधूरा करते हैं, ये आप कह रहे हैं अधूरा, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास आऊंगा, मैं जनता से रिएक्शन लेता हूँ, जनता से रिएक्शन ले लेता हूँ, जनता से एक मिनट, जनता से रिएक्शन, जनता से रिएक्शन, ठीक है, हाँ एक मिनट, एक मिनट, शांति शांति शांति, एक बोल ले, एक मिनट एक मिनट, इसको इसको आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी भ्रष्ट हैं और इन्होंने आपका दो बयान आ गया, आपकी पार्टी का आपका, मैं आ रहा हूँ जनता से ले लेता हूँ, आपका दो बयान आ गया, आपका दो बयान आ गया, कुछ युवा भी हैं, कुछ युवा भी हमारे साथी हैं, आइए 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 चलिए, क्या 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 समस्या है आपके यहाँ? भिंड में बहुत अच्छी समस्या है, बढ़िया काम हो रहा है भिंड में, संजू सिंह ने बहुत बराबर काम किया, पूरे भिंड का विकास किया है, अभी तक इस पार्टी ने किया, ये तो आरोप, किताब लाए, किताब दे, पढ़ाई बताइए सर, पूरा विकास किया पूरा शहर का, जो जाने रोड नहीं बनी, यहाँ तक बहुत रोड बनाई संजू सिंह ने, कभी नहीं बनी है, हर गौरी सरोवर देखिए आप, ठीक है ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ आवाज, यहाँ पर यहाँ पर कुछ आवाज ऐसी आ रही है कि हमारे स्थानीय विधायक ने बहुत काम किया है, किताब लेकर आए हैं जनता लोग, आपसे भी जानना चाहते हैं भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी भिंड की सम्मानित जनता हैं। मैं सिर्फ मालनपुर के ऊपर बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि अब चुप्पी कर लो यार, भैया बात सुन लीजिए, आप बंद कर दो, आप ही के लोग हैं, सुन लेते हैं ना, है ना, मालनपुर की बात आप, मालनपुर की 2003 में 250 से 350 फैक्ट्रियां यहाँ चालू थी, आज की डेट में 85 फैक्ट्री बची है, क्यों ये फैक्ट्रियां बंद हो गई? 250 से 300 फैक्ट्रियां थी, एक जनता ने आवाज उठाया है और ये दोनों लोगों से सवाल है, 250 से 300 फैक्ट्रियां थी लेकिन अभी हकीकत में 85 बची है। मैं आप बीजेपी कांग्रेस बसपा तीनों के पास आऊंगा, आप बैठ जाइए ना, मैं तीनों के पास जिम्मेदारों से सवाल पूछ लूं, हाँ जिम्मेदारों से, हाँ चार बार चलेगा यहाँ, बहुजन समाज पार्टी चलिए बताइए यहाँ पर सभी इन्हीं दलों के, अभी मालनपुर की बात हो रही है, बताइए मालनपुर की बात, मैं मालनपुर की बात अकेले नहीं करता, मैं पूरे जिला की बात करता हूँ, हाँ तो रखिए, देखिए मैं जैसे कि माना जाए, जैसे ये कांग्रेस साल शासन भी 70 साल किया, वो बीजेपी भी शासन में है, भाई सवाल और जवाब तो हम लोगों से जनता से किए जाने चाहिए, इनसे तो आपके आपके नेता को भी तो चुना, आपके भी नेता को जनता ने चुना, नहीं सुनिए आपके नेता को चुना, हाँ जनता को चुना लेकिन खरीदा किसने? अच्छा पटवारी बिका किसने? दूसरी बात अभी ये पटवारी घोटाला चल रहा है, पटवारी घोटाला चल रहा है, एनआरआई कॉलेज में 10 टॉप आए हैं, भाई साहब प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज इस मंच की गरिमा को, इस मंच की गरिमा को बना के रखिए, देखिए ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार जिम्मेदार लोग हैं, पूछेंगे, देखिए एक सवाल एक जनता ने पूछा कि मालनपुर में 2003 में 250 थी औद्योगिक, लेकिन आज की डेट में 85 ही क्यों बचे हैं, कम क्यों बचे हैं, इससे तो रोजगार गया हमारा। ये जो कंपनियां बंद हुई वो कांग्रेस के टाइम में ही बंद हो चुकी थी, अभी थोड़ी हुई है, हाँ। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज से 15 साल पहले ही बंद हुई कांग्रेस के टाइम में, लेकिन 18 साल से तो आपकी सत्ता है, तो पुनर्स्थापन हो रहा है उनका। अच्छा देखिए बीजेपी का कहना है, देखिए जनता ने सवाल उठा, जनता ने सवाल उठा भाई साहब, जनता ने ये बीजेपी ने एक युवा ने सवाल उठाया तब मैं ये ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हुआ। देखिए साहब कांग्रेस के कार्यकाल
हमारा भिंड इतना खूबसूरत बना था, जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें थी, भिंड को चारों तरफ नदियों से जोड़ा गया, भिंड में इंडस्ट्रीज क्षेत्र आया गया, भिंड में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हुआ। और ये कम कैसे होती जा रही है औद्योगिक? इसके लिए 20 साल से 19 साल से बीजेपी की सरकार है। हमारे भिंड के स्थानीय मित्र, भाजपा के मित्रों से मेरा निवेदन है कि ये भी उस चीज़ से पीड़ित हैं। ये भले ही आज इस प्रकार के आप उठा रहे हो आवाज़ें, आज भिंड में न तो विद्युत की व्यवस्था है, पूरी पूरी विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है, पूरा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम समाप्त हो गया है, बिजली की व्यवस्था है, बिजली अव्यवस्था है, अव्यवस्था जी। और रेवेन्यू जनता से पूछ रहे ना, आपने बोला एक विशेष मुद्दा है, रेवेन्यू न्यायालय बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, रेवेन्यू न्यायालय समाप्त हो गया है। और जो अंतिम लाइन में खड़े हैं, बैठ जाइए प्लीज, क्या क्या भिंड में बिजली की समस्या है? कोई समस्या नहीं है। क्या है? नहीं है, नहीं। क्या है? एसी कैसे चल रही है? क्या है? एसी चल रही है। क्या है? समस्या हो गई। क्या है? चलिए और लोगों के पास एक मिनट। कल रात रुके थे, बिजली आई थी कि नहीं रही थी, आप बताइए। हम ये कह रहे हैं, जब आपने कार्यक्रम शुरू किया तो आपने लोकतंत्र की शपथ दिलाई थी, और जब विपक्ष से आप सवाल पूछ रहे हैं तो भाजपा वाले इतने अनुशासनहीन है, ये लोकतंत्र को लोग, ये सब भाजपा के लोग हैं, सब भाजपा के सारे विधायक के लोग हैं, कोई भी यहाँ पे हल्ला नहीं, बैठ जाइए। अनुशासनहीनता नहीं। देखिए सब लोग बैठे हैं, बैठ के सर, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, मानने वाले लोग नहीं है भैया, ये बीजेपी और कांग्रेस आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, और जनता के जो आम मुद्दे उनसे भटकाने का काम कर रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से आप बीजेपी कांग्रेस के लोगों को बोल बात कर रहे हैं, उस प्रकार से अन्य विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, उनसे अगर मुद्दे की बात करेंगे तो निश्चित तौर से उसका समाधान निकलेगा। तो बताइए ना, तो कहानी बता चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी भी अगर घोटालेबाज पार्टी है तो कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस का 2G भी घोटाला स्पेक्टर, भिंड की बात नहीं हो रही है ना, भिंड की बात करूँ। कांग्रेस के समय में भी बहुत घोटाले हुए, और भारतीय जनता पार्टी के में घोटाले हुए, लेकिन विकास की बात किसी ने नहीं की। आज अगर विकास की बात ठीक है, ठीक है, चलिए एक मिनट। और मेरा आग्रह है, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप तक मैं पहुंच चुका हूँ, धैर्य रखिए, आप तक पहुंच चुका हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ चलिए एक मिनट हर पंक्ति से। और देखिए, पूरा मध्य प्रदेश आप लोग को देख रहा है, कम से कम गरिमा बनाए रखिए कि भिंड कैसा है, गरिमा बना के रखिए, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, मैं सब तक पहुंचूंगा। हाँ जल्दी से सर, ये देखिए आपके भिंड के एक नागरिक है, ये अपनी बात रखेंगे। हेलो, हाँ भिंड में अभी देखो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और ऐसे समय में भिंड में ही ये पटवारी घोटाला मतलब हुआ, ये व्यापम टू इसको नाम दे दिया गया, ये पटवारी घोटाला हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिस कॉलेज में हुआ वो कॉलेज हमारे भिंड विधायक का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो और भिंड का विधायक हमारा भाजपा का विधायक है इस वक्त। ठीक है, ठीक है, एक पटवारी घोटाले की बात आ रही है, एक जनता ने सुनाया है, आप हो गया। हाँ देखिए प्लीज, एक बार में एक ही लोग, अगर देखिए बात टीवी पे आने की नहीं है, बात भिंड के अंदर ये जो भिंड के अंदर जो विपक्ष कह रहा है ना कि हम ये विपक्ष यही बात कर सकता है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं भिंड के अंदर मुद्दे, उन पे विपक्ष बात नहीं करता है। राम सेना लड़ती है जमीन रोड पर जाकर, लेकिन विपक्ष का काम तो राम सेना कर रही है, लेकिन विपक्ष कौन सा काम कर रहा है? सभी पार्टियां चोर हैं, एक भी साहूकार नहीं है, सभी पार्टी चोर है, सभी चलती, हम ऐसे ही कहेंगे। जो विधायक बिल्कुल जीरो रहता है, उसमें टूटी चप्पलें नहीं होती हैं, 30 साल में अरबों रुपए कहां से आता है? नेताओं का विकास है, ठीक है, चलिए एक बार बैठिए। देखिए जनता की, भिंड की जनता का दर्द आ रहा है, भिंड की जनता का ये दर्द आ रहा है। मैं थोड़ा अग्रिम पंक्ति के लोगों से बात करूंगा, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, चूंकि आप ही का सवाल था। आपने कहा नेता का तो विकास हो जाता है लेकिन जनता का नहीं। देखिए
भिंड के मैं कृष्णकांता तोमर, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूं। मेरा कहना यह है कि एक विकास के मुद्दे की बात बार बार आ रही है, तो विकास के नाम पर भिंड को देखिए आप, मेडिकल कॉलेज मिला, सीएम राइज स्कूल मिला, इतनी सारी सैनिक स्कूल मिला, और बताइए आपके लाइट की बात बार बार जो लोग कह रहे हैं कि लाइट कितने अंधेरे में पड़ी हुई थी, तो विकास भिंड में नंबर वन पे जा रहा है। इतना विकास भिंड का हुआ है कि इतना कभी आज के इतिहास में नहीं हो पाया। ठीक है मेंबर जी, ये ऐतिहासिक विकास हुआ है, ऐतिहासिक। अरे भाई साहब, आप ये भी भाई साहब, आप कार्यक्रम को ऑपरेट, आप जनता है, मैं सम्मान करता हूँ आपका तहे दिल से, लेकिन आप बैठिए, मैं आऊंगा, इनसे पूछ रहा हूँ ना, अभी सब किराया नहीं चाहिए। अभी भाजपा महिला कार्यकर्ता ने कहा मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भी शायद कार्यकर्ता हूँ, जिस कॉलेज की आने से पहले इतनी खुशियां मना दी हैं, जो खुद की कॉलेज जो डरी है, जिसके लिए आपने देखा होगा कभी इंदौर में जो हड़कंप मचा है, एनआरआई कॉलेज के लिए मचा है, प्रेजेंट के संजीव कुशवाहा विधायक का है, उसके नाम का है, वो आके पहले तो ये बोल दे के मेरी कॉलेज का कोई घोटाला नहीं हुआ है। भिंड से क्या मतलब है? विधायक है संजीव कुशवाहा, भिंड से विधायक है, जिसकी कॉलेज में सबसे बड़ा ज्ञापन घोटाला आया है, जो बहुत उनका विधायक था। चलिए आपकी बात आ गई, ठीक है, चलिए। हाँ, इसके बाद देखिए, ये कृष्णकांता तोमर ने कहा मेडिकल के कॉलेज के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। यहाँ उन्होंने कई घोषणाएं की, जैसे उन्होंने कहा कि उमरी को हम तहसील बनाएंगे, आज तक नहीं बनी, दो चुनाव में वो घोषणा कर चुके, ठीक है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा बिल्कुल मिथ्या और झूठी है, सिर्फ झूठ बोलने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर जितने मुद्दे जटिल मुद्दे हैं उतने कहीं नहीं होंगे, जटिल मुद्दे हैं। अग्निवीर, जैसे अग्निवीर जब आया तो यहाँ के जो जो बेरोजगार लोग जो मिलिट्री में भर्ती होते थे उनका रोजगार छीन लिया गया। ठीक है, रोजगार छीन, भाई साहब मैं आपके पास वादा करता हूँ कि आऊंगा, लेकिन कुछ युवा है, कुछ युवा है, उनसे पूछता हूँ। युवा, अगर युवा से ना पूछे, युवा से एक मिनट, आपसे ये आप जिससे ले चुका हूँ जी, बोलिए क्या जो में बहुत विकास हुआ है, चक्कर वाली पुलिया नाला कभी नहीं बना था 50 से। सबसे बड़ी बात यह है भिंड आज भयमुक्त है, भयमुक्त भिंड विधायक संजीव सिंह के होने से। ठीक है, शहर में नाला कभी नहीं बना था, एक मिनट, शहर में नाला नहीं बना था, मान लीजिए संजीव सिंह संजू ठीक है। हमें बस ये बताओ, कांग्रेस पार्टी सब पालक परेशान है, किताबों के मुद्दा पे चुप गए, इनसे कितना कमी लगा चाहिए पूछा एक बार। ठीक है, आपको हाँ किताबों पे तो भ्रष्टाचारी चल रही है, कांग्रेस से पूछो ठीक है। चलिए कुछ लोग और हैं क्या? किसकी लाइट की? लाइट नहीं आती है यार, 24 घंटे लाइट में गड़बड़ रहता है यार। अच्छा, लाइट की समस्या एक बार सामने आई है, और भी चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पर एक जनता ने उठाया, आपस में बहस नहीं। हाँ अखिलेश जी, आज भिंड शहर में जा भी जाए भाई साहब, आपस में नहीं प्लीज। हमारे शहर में भिंड में 39 वार्ड है, 39 वार्डों में आप निकल के देखिए क्या स्थिति है। किसका विकास वो मतलब विकास का, आप खुद स्वयं जाकर देख लीजिए। टूटी फूटी सड़कें हैं, एक समस्या आ रही, टूटी फूटी सड़कें हैं। सर भिंड जिले की अगर बात करें तो हमेशा भिंड में, हमेशा चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हमेशा भिंड को छला जा रहा है। भिंड में कैसे? ऐसे क्योंकि ग्वालियर के किनारे मालनपुर लगा हुआ है, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज की बात हो चाहे कोई विकास की बात हो, सब पीछे भिंड को छला जाता है, भिंड को छला जा रहा है। अभी भिंड को छला जा रहा है कैसे? क्योंकि सब बेहद पागल बना के काम करते हैं। दूसरा, मैं एक मुद्दा है मेरे पास, हाल ही में उमरी हत्याकांड हुआ था, एक महीना हो गया मोहन सोनी को, आज तक कोई पुलिस ने जानकारी नहीं दी, ना किसी ने नेता ने इसको मुद्दे उठाया। लॉ एंड ऑर्डर एक प्रमुख समस्या है, और जो मालनपुर का विकास होता है लेकिन भिंड का नहीं। भाई जो देखिए, भिंड में समस्या नहीं, समस्याओं में भिंड बीमार अस्पताल है, हमारे भिंड का नगर पालिका नरक पालिका है। रोजगार की स्थिति ये है कि भिंड के 50% युवा पूरे भिंड विधानसभा अकेले से बाहर जाके ट्रेन पर नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर कलर का काम कर रहे हैं, ये स्थिति है। भिंड का विकास जीवन में नहीं होगा, कांग्रेस जीवन में नहीं होगा। क्यों? पार्टी, एक पार्टी विधायक बेचती है, एक पार्टी विधायक खरीदती है, यहाँ तक कि बाढ़ के जो बाढ़
चढ़ा हुए पार्षद बेचे जाते हैं, एक पार्टी पार्षद खरीदते हैं। चलिए 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 चलिए, एक राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहा है कि भिंड का विकास कभी नहीं हो सकता, भिंड का विकास कभी नहीं हो सकता। आते हाँ आप प्लीज, कांग्रेस जो बिजली का मुद्दा उठा रही है, इनकी सरकार के समान है भिंड में लालटेन नहीं उगता। ये एक भी नेता से आप पूछ लो, इनके ये सब में चार चार एसी लगे हैं, लाइट की बात करते हैं ये लोग, लाइट की बात कर रहे हैं ये लोग, इनके घर में चार चार एसी है, देखो सब पसीना फेंक रहे हैं बाहर बैठे हैं। दिग्विजय सिंह के समय में एक संक्षेप में देखिए, दोनों पार्टियां भिंड को छल रही हैं, दोनों पार्टियां भिंड को, एक मिनट भाई साहब, प्लीज हाथ नहीं नहीं, मैं सबके पास जाऊंगा ना, सबके पास, हम पार्टी के जे इनका आचरण समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अब इसके लिए थोड़े ही आए थे हम लोग, पार्टी के मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो जवाब मांगो देखिए।